क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत? आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपके जो रॉन्ग बिलीफ है, आपका जो गलत चिंतन है, उसको हम सही करते हैं। और सही करके हम आपको कुदरती रचना और कुदरत के कानून के तहत आपको यूनिवर्सल ट्रुथ देते हैं, सार्वभौम सत्य देते हैं, सनातन सत्य बताते हैं। उससे आपको लाभ क्या होता है? आपको सनातन सुख की प्राप्ति होती है, आपको इटर्नल सुख की प्राप्ति होती है, आपको अक्षय सुख की प्राप्ति होती है, जो ब्लिस कहलाता है। और अक्षय सुख की प्राप्ति करने के बाद इस जीवन में, आने वाले जीवन में कुछ भी करना शेष नहीं होता है, क्योंकि मानव जीवन का उद्देश्य है सुख की प्राप्ति करना, अक्षय सुख की प्राप्ति करना। ये सारा कार्य हम अलग अलग विषयों के माध्यम से, अलग अलग चिंतन और अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है भक्ति योग। भाई और बहनों, जैसा कि मैंने बताया कि भगवान कृष्ण ने जो गीता 18 दिन युद्ध के अंदर 18 दिन तक लगातार अर्जुन को जो शिक्षा दी है, तो 18 दिन की शिक्षा 6 अध्याय बने। कर्मयोग 6 पहले, दूसरा 6 भक्ति योग और तीसरा 6 ज्ञान योग, और इसका समन्वित रूप जाने, निष्कर्ष जाने तो ध्यान योग है। तो आज हम चर्चा करेंगे, भक्ति योग की बात करेंगे। भक्ति का क्या अर्थ होता है? भक्ति का अर्थ होता है समर्पण। समर्पण का अर्थ होता है जिस भगवान में, जिस गुरु में आपने अपने आप को डेडिकेट कर दिया, अपने आप को समर्पण कर दिया, उसके हो गए, तो उसके बाद मन में सारे संशय समाप्त हो जाने चाहिए कि वह गुरु और वह धर्म और वह भगवान जो है मेरा बेड़ा पार करेगा, मुझे मुक्ति दिलाएगा और मुझे स्थायी सुख देगा। जहाँ संशय नहीं होता है वह समर्पण कहलाता है, जहाँ संशय होता है वह बुद्धि काम करती है। ये सारा संशय पैदा करने वाली है वह बुद्धि है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से अंतःकरण बनता है, मन से चिंतन होता है, भूतकाल की जो है वह स्मृति होती है, वर्तमान का चिंतन होता है और भविष्यकाल की कल्पना होती है। और बुद्धि को जब वो सारे प्रसंग आते हैं, मन कोई भी पैम्पलेट निकालता है तो वो पैम्पलेट बुद्धि को देता है कि इस तरीके पैम्पलेट आए हैं, 1, 2, 3 तरह, तो बुद्धि उछलती है, कूदती है, क्योंकि बुद्धि जो है वो स्थिर नहीं रहती है, वो कूदती है, शोर मचाती है। तो वो शोर मचाने के बाद चित्त क्या करता है? मन, बुद्धि और चित्त है, उस पैम्पलेट का फोटो खींच लेता है, तो फोटो खींच करके और वह अहंकार को दे देता है। अहंकार जिस पर सिग्नेचर कर देता है कि दिस इज ओके। जब मालिक कोई भी प्रस्ताव को, कोई भी परचेज को, कोई भी सेल को, कोई भी चिंतन को अप्रूव करता है तो ओके हो जाता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का जो मालिक है वो अहंकार है। अहंकार ने सिग्नेचर कर दिए, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, वह चीज़ मान्य हो जाती है और वह व्यक्ति करने लग जाता है। ये पूरा अंतःकरण का कार्य होता है। तो हम बात बरकरार रहे थे, बुद्धि जो है ये भटकाती है, इसलिए भक्ति मार्गी को बुद्धि के बल पर नहीं चलना है। बुद्धि से परे भी एक जगत है जो भेद कराता है। आज सारी दुनिया में जितने भी भेद दिखाई दे रहे हैं, चाहे परिवार के स्तर पर हो, चाहे व्यक्ति के स्तर पर हो, चाहे समाज के स्तर पर हो, चाहे देश के स्तर पर हो और चाहे विश्व के स्तर पर हो, जितने जितने भेद है वो मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, अलग अलग लोगों की अलग अलग बुद्धि के कारण वो मतभेद वो बन गए हैं, वो बुद्धि भटकाती है। लेकिन
बुद्धि के परे क्या चीज है वो समझने की बात है, वो हमारा भावनात्मक विकास है, वो हमारा इंट्यूशनल जगत है, वो हमारा अपना जगत है, वो परमात्मा का जगत है, वो आत्मा का जगत है, वहाँ पर देर आर नो वर्ड्स एट ऑल, दिस ऑल सिमिलर डिसिमिलरिटीज क्रिएटेड बाय द वर्ड्स, व्हेन द वर्ड्स वैनिशेज ओनली वाइब्रेशंस आर देयर, दोज आर द करेक्ट, because they can't speak, they can't narrate, or they can't say translate anything at all, whatever vibrations are there, those are the real anybody can see. और जब उस जगत में वो प्रज्ञा का जगत कहलाता है, उस जगत में राम जाओ, कृष्ण जाओ, महावीर जाओ, और ईसा मसीह जाओ, पैगंबर साहब जाओ, गुरु नानक साहब जाओ, महात्मा गांधी जाओ, तो सब उसमें गए हैं. वहां पर जाने पर उनको सत्य का दर्शन हुआ. स्वामी विवेकानंद उस क्षेत्र के अंदर घुसे, स्वामी रामकृष्ण परमहंस उस क्षेत्र में गए, शंकराचार्य उस क्षेत्र में गए, सब महापुरुष जो है उस प्रज्ञा के जगत में जाते हैं, वाइब्रेशन के जगत में जाते हैं. वो अवचेतन मन का जगत है, वो ल्यूमिनस बॉडी का जगत है, वो ट्रांसफॉर्मेशन का जगत है, और वो दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, हमारी सबसे बड़ी फैक्ट्री है. वो रूपांतरण सारा अवचेतन मन पे होता है, और वहाँ केवल वाइब्रेशंस है, और दोज आर द रियल वाइब्रेशंस, और वो वाइब्रेशन के अंदर कोई भेद फर्क नहीं होता है कोई. देखो तो हम बात बता रहे हैं भक्ति योग में क्या करना होता है. बुद्धि को कहना होता है बुद्धि तू अपने पियर चली जा, बुद्धि को काम नहीं लेना है, क्योंकि बुद्धि कहेगी ये भगवान अच्छा है, ये भगवान अच्छा नहीं है, और ये भगवान तो वैष्णव लोगों का है, ये भगवान तो जो है शैव लोगों का है, ये जैन लोगों का है, ये मुस्लिम लोगों का है, ये सब भेद कराएगी. और उस भेद करने से क्या होगा कि आप में शंका बैठ जाएगी कि व्हाट इज द रियलिटी, व्हाट इज द अल्टीमेट ट्रुथ, एंड सनातन सत्य क्या है. ये भ्रम पैदा करने वाली बुद्धि है. तो भक्ति मार्गी को बुद्धि को अलग रखना चाहिए, बुद्धि के भरोसे नहीं रहना. बुद्धि का अर्थ ये नहीं है कि आप खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, चलने में बुद्धि का उपयोग नहीं करो, वो हम नहीं कह रहे हैं. हम तो ये कह रहे हैं कि जो कुबुद्धि है, जो कुतर्क कराती है, उस कुतर्क को रोकना है, उस बुद्धि से अलग हो जाओ. और प्रज्ञा कभी कुतर्क नहीं कराती है, प्रज्ञा मोक्ष की प्रतिनिधि है, और प्रज्ञा जो आत्मा की भाव सत्ता है, हमारी जो आत्मा है वो तो निष्क्रिय है, न तो हिलती है, न डुलती है, न उसके शरीर है, न कुछ करती है, लेकिन इतनी पावरफुल है कि उसकी प्रेजेंस होने से ही सब कुछ होता है. प्रेजेंस बिना कुछ नहीं होता. कैसे नहीं होता, मैं आपको उदाहरण बताऊं कि जैसे भारत का प्रधानमंत्री है, वो प्रधानमंत्री किसी शहर के अंदर प्रोग्राम के अंदर आ जावे तो शहर के सभी विभाग अलर्ट हो जाते हैं, और वो आइडियलिस्टिक कंडीशन में काम करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं प्रधानमंत्री अभी हमारे शहर में आए हुए हैं, और कोई भी जन प्रतिनिधि जाकर के मेरी शिकायत नहीं कर दे, इसीलिए वो अलर्ट रहते हैं, जागरूक रहते हैं, 1% भी प्रमाद नहीं करते हैं. तो ठीक उसी तरीके से जो है ये हमारा जो चित्त है वह यही कार्य करता है. हमें प्रमाद नहीं होना चाहिए, यो प्रज्ञा यही काम करती है. प्रज्ञा कभी भी जो है व्यक्ति को वो गलत दिशा में नहीं ले जाती. और मैं आत्मा की बात कर रही थी कि आत्मा की हाजिरी से ही सब कुछ काम होता है, और उसकी हाजिरी है तो 100/100 है, और उसकी हाजिरी नहीं है तो 0/100 है. सब कुछ आपके पास साधन है, संपन्न है, सब कुछ है, धन है, दौलत है, लेकिन आपके भीतर आत्मा नहीं है तो आपका ये शरीर जड़वत है और उसको जलाने योग्य हो जाता है. तो हम बात कर रहे थे भक्ति मार्ग की, और भक्ति मार्ग ये कहता है कि जो जो आपका ईश्वर है, जो जो आपका गुरु है, जिसकी आपने गुरु धारणा कर ली है, उस पर विश्वास करो. इसलिए कहा है गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए. मैं जो है उस गुरु को नमन करता हूँ कि जिसने जो है प्रभु के दर्शन कराए. तो पहले गुरु को नमन करता हूँ कि ईश्वर के दर्शन मेरे गुरु ने कराए, और गुरु की परिभाषा भी यही है,
गु का मतलब होता है अंधकार, रू का मतलब दूर करने वाला। गुरु वह व्यक्तित्व होता है जो अज्ञान रूपी तिमिर को दूर करता है, और ज्ञान को एक प्रकाश का प्रतीक माना गया है। एक घना अंधेरा हो शताब्दियों का और उसके अंदर एक छोटा सा दिया जला दो तो दिए से वो शताब्दियों का अंधकार तिमिर हट जाता है, वहाँ प्रकाश हो जाता है। इसीलिए जो हमारे ज्ञान की देवी सरस्वती है, तो जब कभी कोई ज्ञान का आयोजन, शिक्षा का आयोजन किया जाता है, जब कोई यज्ञ का आयोजन किया जाता है, सत्संग का आयोजन किया जाता है, तो हम सरस्वती की जो है लाइटनिंग ऑफ द लैंप्स करते हैं। इसका अर्थ यह है वो ज्ञान का प्रतीक है कि हम ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, वो हमारा सफल हो और ज्ञान हमारे भीतर जो है वो परिवर्तन लावे, भीतर उतर जाए। तो भक्ति योग के अंदर केवल समर्पण है। भक्ति योग के अंदर भगवान कृष्ण ने क्या कहा है कि तू पापी है, चाहे तू लुटेरा है, चाहे जेब कतरा है, चाहे तू कत्ल करने वाला है, कैसा भी है, अगर तू मेरे को समर्पित हो जाता है, अगर मेरे प्रति भक्ति करता है, मेरे को ईश्वर और भगवान मानता है, मेरी शरण में आ जाता है, तो तेरे सारे दोष जो है मैं माफ करके और तेरा उद्धार कर सकता हूँ। और होता भी है। भक्ति मार्गी जितने 14वीं 15वीं सदी में बहुत से, हमारा ऐसा समय था जब मुगलों का शासन था, हमारे पर अत्याचार किए जाते थे और हमारी महिलाओं को उस वक्त ये बुरका चला, हमारे महिलाएं जो रूपवती होती थी वो उनका रूप का दुरुपयोग किया जाता था, उनको महलों में बुला लिया जाता था, उनके शील का हरण होता था, तब उन्होंने मुँह ढका और बुरके का आविष्कार हुआ। तो भाई और बहनों, उस समय में जो हमारे भक्ति मार्गी थे उन्होंने कहा आप तो ईश्वर में विश्वास करो, ईश्वर सब कुछ करेगा, ईश्वर को समर्पित हो जाओ और इन जो मुगलों के जो अत्याचार है वो ईश्वर अपने आप आके ठीक करेगा। और होता भी है। जैसे आप दुर्गा के भक्त हैं, शिव के भक्त हैं, उनको समर्पित है, ओम नमः शिवाय हर एक जो है हर क्षण आप जो रटते रहते हैं और जो है दुर्गा माँ का जाप करते रहते हैं, तो वह जो आसुरी शक्ति होती है, जो आपको परेशान करने वाली वृत्तियाँ हैं, उनका समन करते हैं और आपको सुख शांति में रखते हैं। तो हमारे समर्पण करने से हम कर्ता भाव से चले जाते हैं। समर्पण भक्ति मार्ग क्या है? अकर्ता भाव रखना, अमालिकी भाव रखना कि हे प्रभु, मेरा जो है द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, मन, वचन, काया तथा मेरे नाम की सब माया आप प्रकट परमात्मा प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। ये भक्ति मार्ग है कि मेरा सर्वस्व आपको अर्पण करता हूँ, आप ही मेरे भगवान हो, आप ही मेरे त्राता हो और आप ही मेरा उद्धार करने वाले हो, मैं आपका भक्त हूँ, मैं आपका दास हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे को उद्धार करो। जब हम भगवान के सामने एक सरल हृदय से दास बनते, उनके सेवक बनते हैं, तो भगवान भी सोचता है अब ये मेरी शरण में आ गया। कैसे शरण में आ जाता है? देखिए, एक छोटा दूध पीता बच्चा होता है तो बच्चा जब चिल्लाता है तो माँ ऑटोमेटिकली आकर के और स्तन से उसको दूध पिलाती है। कहावत भी बनी हुई है कि रोए बिना माँ बोबो नहीं देवे। तब वो रोता है तो माँ समझ जाती है, क्योंकि वो बोल सकता नहीं है कि मेरा बच्चा भूखा है, और माँ क्या समझती है। ये भक्ति मार्ग का सबसे बड़ा उदाहरण है। वो बच्चा जन्म लेते ही माँ को समर्पित हो जाता है, माँ का भक्त बन जाता है। वो सबसे बड़ा भक्ति मार्ग ही है। जब तक कि उसमें समझ नहीं आ जाती, अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता, तब वो महापोषण करती है उसको और बड़ा करती है। ठीक उसी तरह से हमारा ये कॉस्मोस, ब्रह्मांड, हमारी ये कुदरत, हमारी ये प्रकृति माँ, हमारा यह पर्यावरण है, जिसके अंदर 84 लाख जीवा योनि के प्राणी जन्म लेते हैं और उससे पोषित होते हैं, अपना भरण पोषण करते हैं और साथ में इसी में विलीन हो जाते हैं। वो माँ ये कहती है, एक कहावत है कि जो चोंच देगा वह चुग्गा भी देगा। तो माँ तो क्लियर कहती है कि मैंने तेरे को जन्म लिया है, बस तेरा एक ही काम है, तू मेरे को समर्पित हो जा, तू भक्ति मार्गी बन जा। समर्पण का अर्थ यह है कि तुझे
जो मेरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो मेरा जो कंपोजिशन है, जिससे कि तेरा पालन पोषण होता है, और सब सारे मेरे संपूर्ण जितने भी 84 लाख के जीव हैं वो वसुधैव कुटुंबकम के सदस्य हैं, वो मेरी वसुधा की संतान है, मुझे सबका पालन पोषण करना, एक का नहीं करना है, और पांचों का और सबका पालन पोषण मैं केवल 5 तत्वों से करता हूँ, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, तो उसका उसका दोहन मत कर, उसका शोषण मत कर, उसको गंदा मत कर, और उसको अनावश्यक रूप से खराब मत कर, तो संयमित रहे तो तेरी मैं गारंटी लेता हूँ। जब हम भक्ति मार्गी बन जाते हैं प्रकृति के प्रति, तो हम स्वस्थ रहते हैं। प्रकृति मान है, जब हमारे को इस दुनिया के अंदर भेजा है तो 100 ईयर्स का एक यूनिबिल्ट सिस्टम बना करके हमारे शरीर में हमको भेजा कि सतेश जीवनम, 100 वर्ष तक जियोगे, क्योंकि वो प्रतिरोधात्मक शक्ति जो है वो हमारे भीतर डाल करके हमको भेजती है। लेकिन हमने क्या किया, जो देखिए अब मैं भक्ति मार्ग के विरोधी लोग हैं उनकी चर्चा करता हूं कि किस तरीके से आदमी भटकता और किस तरीके से आदमी निसंकोचित होकर के और बिना किसी शंका के भक्ति मार्ग में आता है तो कितना सुखी होता है। तो जो लोग शंका करते हैं वो लोग क्या करते हैं कि इस पृथ्वी माँ का दोहन करता है, भक्ति मार्गी होते हैं वो जल देवता, वायु देवता, और जो है हमारे अग्नि देवता, इंद्र देवता, इन सब की पूजा हुआ करती थी, देवता रूप में माना जाता था, प्रकृति के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पंचभूतात्मक के उन सब की पूजा होती थी और पूजा के योग्य भी थे। कैसे पूजा योग्य नहीं है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक जो है पीपल का पेड़ है, ये जितने भी पेड़ पौधे हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड भोजन को लेते हैं और सिंथेसिस के माध्यम से जो है ये वापस प्राण वायु ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और वो प्राण वायु ही मनुष्य के काम की है। हर जीवित प्राणी के लिए प्राण वायु चाहिए, ये केवल पेड़ पौधों से आती है, और पीपल का ऐसा पेड़ है जो 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है, चाहे रात में उसके नीचे बैठो चाहे दिन में बैठो, किसी समय बैठो आपको शुद्ध प्राण वायु वहाँ मिलेगी, वो छोड़ता रहता है 24 आवर। तो बताइए वो क्या पूजने योग्य नहीं है, जो आपको प्राण शक्ति देता है, प्राण वायु देता है और आपको जीवित रखता है, तो क्या वो आपके लिए पूजनीय नहीं है? बिल्कुल पूजनीय है, जो हमको जन्म देता है, जो हमको पालन पोषण करता है और जो हमारी रक्षा करता है और हमें पहचान देता है, वो निश्चित तौर से पूजनीय है, चाहे वो हमारे माता पिता है, चाहे वो प्रकृति है, चाहे वो समाज है, चाहे हमारे रिलेटिव्स है, जो हमारी रक्षा करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो सभी आदरणीय, वंदनीय, स्तुति और पूजनीय होते हैं। तो भाई और बहनों, ये भक्ति मार्ग है। मीरा की भक्ति, सूरदास की भक्ति, रशकान की भक्ति, कबीर जी की भक्ति, और किन किन के नाम, चैतन्य प्रभु, बहुत सारे भक्ति मार्गी 14वीं-15वीं सदी में हुए हैं, और उन्होंने बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन किया। वो रिवॉल्यूशन किया क्या, उन्होंने एक ही बात कही कि आप तो प्रभु को, ईश्वर को, भगवान को समर्पित हो जाओ, सब बेड़ा पार होगा। और लोगों ने उनकी, उन्होंने उसके लिए बहुत बड़ा विपुल साहित्य की रचना की। जैसे कबीरदास जी को आप देखिए कितने कितने बड़े उन्होंने पद की रचना दी, कबीरा खड़ा बाजार में और सबकी मांगे खैर, ना कहूँ से दोस्ती और ना कहूँ से बैर। उन्होंने कहा कि न तो मेरी किसी से दोस्ती है न किसी से बैर है। जब हम किसी से बैर नहीं रखते हैं तो ये सबसे बड़ा भक्ति मार्ग का जो है सूत्र है कि किसी से भी बैर मत रखो। क्यों बैर रखो, उसके भीतर वही अस्तित्व है जो मेरे भीतर अस्तित्व है, उस अस्तित्व के अंदर कोई फर्क नहीं है। जो हमको फर्क नजर आता है शरीरों का, वो अपने अलग अलग डीड्स, कॉजेज और कर्म के कारण है, वो चीज़ अलग है और ये चीज़ अलग होती है। तो भाई और बहनों, हम आपको निष्कर्ष की भाषा में कहते हैं कि भक्ति मार्ग बहुत सुंदर मार्ग है। भक्ति मार्ग के अंदर न तो कोई बहुत बड़ा लिटरेचर पढ़ना होता है, न ही बड़े बड़े संस्कृत के जो है मुहावरे और संस्कृत के सूत्र याद करने पड़ते हैं, न कोई बिल्कुल कोई तैयारी करनी पड़ती है, सिर्फ
अपने मन को बच्चे की तरह सरल बना करके सर्वात्मना जो भी आपने ईश्वर को माना है उसको समर्पित हो जाना है। राम है, कृष्ण है, महावीर है, जो भी आपका जो है वो बजरंग बली है, जो भी है उसको समर्पित हो जाओ, वो आपकी रक्षा करेगा। हनुमान का उदाहरण देखिए, हनुमान जी बहुत बड़े भक्ति मार्गी थे, वो तो हर कार्य की क्रेडिट है राम को देते थे और राम का नाम लेकर की कोई भी कार्य किया करते थे। वो तो यही मानते थे कि मेरे प्रभु है, भगवान है, मेरे त्राण है, मेरे दाता है, वो राम है। तो राम ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम महावीर हो और हर युग के अंदर मेरे से ज़्यादा तुम्हारी पूजा होगी। उन्होंने अपने सेवक कि आज कितना पूजा, आज देखिए बालाजी के कितने मंदिर है वो पूजे जाते हैं और आज भी उनका वही वर्चस्व, आने वाले टाइम में भी उनका वही वर्चस्व रहेगा। वो किस लिए है कि वो भक्ति मार्ग के कारण जो शिव के भक्त होते हैं, ओम नमः शिवाय के शिव जी जो है सबकी रक्षा करने वाले हैं, वो जो आततायी हैं, जो वो जो है ये जितने भी दैत्य शक्ति हैं उनका नाश करते हैं, और जो साम्य योगी हैं और जो सन्यासी लोग हैं जो प्रभु का भजन करने वाले हैं उनकी रक्षा करते हैं। तो ओम नमः शिवाय से उनकी रक्षा होती है और उनको बेड़ा पार किया जाता है। तो भक्ति मार्ग भी ठीक वैसा ही मार्ग है, जैसा कर्म योग है वैसा ही भक्ति योग है, और उसके साथ में ज्ञान योग भी वैसा ही है, अपने अपनी चॉइस है। ध्यान योग भी वैसा ही है, कोई ध्यान करके मुक्ति को जाते हैं, कोई भक्ति करके मुक्ति को जाते हैं, कोई निष्काम कर्म करके भक्ति को जाते हैं, निष्काम करके मुक्ति को प्राप्त होते हैं। हमारा अल्टीमेट लक्ष्य है मुक्ति है। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर एक व्यक्ति की लाइफ स्टाइल बनाई गई है, उसको चार भागों में बताया गया है, पुरुषार्थ चतुष्टय, कि व्यक्ति जीवन जीता है मनुष्य तो उसको कुछ न कुछ पुरुषार्थ करना होता है, कर्म करना पड़ता है। भाई और बहनों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम की आत्मा हो और आत्मविज्ञान कार्यक्रम आज जो प्रसिद्धि प्राप्त कर रहा है, आज जो टॉक ऑफ द टाउन बना है, वो आपकी जिज्ञासा की वजह से ही है, क्योंकि ये पूरा उपक्रम आपके द्वारा आपके लिए और आपसे बना है। आप इसका सदुपयोग करें। सदुपयोग क्या करना है कि हमारी नकारात्मक सोच को ये कार्यक्रम सुन के सकारात्मक सोच में बदलना है। इसी क्रम में आपके प्रति आनंदमय, आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, शांतिमय हो और शतायु होकर के खूब परोपकार करें आपके प्रति। मंगल क्या है? आध्यात्म, दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत, आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य, मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।